देखिए, इस 2014 के चुनाव के पहले तो आप लोगों को याद होगा कि आर्थिक मामलों में पार्टी का प्रवक्ता मैं ही हुआ करता था। जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आता था तो पार्टी की तरफ से मुझे ही आदेश होता था कि मैं मीडिया को मिलूं, और उस समय मैंने कई प्रश्नों का जवाब दिया। उस समय हम लोग पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे कि यूपीए सरकार में ऐसा लगता है कि जैसे फैसले करने का जो क्षमता होती है उसको लकवा मार गया है, इसलिए वो फैसले नहीं करते हैं। फिर और भी बहुत सारी भ्रष्टाचार की बातें थी जिसके चलते बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए के जो परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं रुक गए थे। लाखों करोड़, मतलब किसी का अनुमान है कि 25 लाख करोड़ रुपए का रुक गया था, कुछ लोगों का अनुमान है कि उससे भी ज्यादा उन योजनाओं में पैसा इन्वॉल्व था। और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी सारी इन योजनाओं के लिए बैंकों ने उनको लोन दिया था, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को, तो वो योजनाएं लटक गई, तो बैंक का पैसा भी लटक गया, वो एनपीए हो गया। इसलिए फिर लाखों करोड़, आज लोग एक फिगर का जिक्र करते हैं कि लगभग 8 लाख करोड़ पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फंसा हुआ है इस तरह बुरे कर्ज में, एनपीएस में। 8 लाख करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, और साल दर साल वो बढ़ती जा रही है। तो हम लोग उस समय ये कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस खत्म करके, इन योजनाओं को आगे बढ़ा के, बैंक्स की हालत को सुधार कर हमें अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ये उस समय हम लोग कहा करते थे। तो हम उम्मीद करते थे कि सरकार जब बनेगी हम लोगों की तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़े कुछ, लेकिन जितनी गति के साथ इन योजनाओं पर काम करना चाहिए था उतना नजर नहीं आया। और 40 महीने सरकार में रहने के बाद हम इसके पहले की सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा मौका मिला इन सब चीजों को ठीक करने का। और बैंक जो बुरे कर्ज में फंसे हुए हैं उसका एक नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ऋण देना बंद कर दिया, तो ऋण देना बंद कर दिया तो बैंक के ऋण पर ही आगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, तो अर्थव्यवस्था की गति इस तरह बहुत धीमी हो गई। और अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई तो उससे बेरोजगार पैदा हुआ, फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद जीएसटी लागू हो गया। अब जीएसटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में अगर एक आदमी सबसे बड़ा पक्षधर था जीएसटी का तो मैं था। मैं उस समय पिछले लोकसभा में मैं वित्त मामले के कमेटी का अध्यक्ष था, और गुजरात सरकार के विरोध के बावजूद हम लोगों ने कहा उस कमेटी में कि ये लागू होना चाहिए जीएसटी, और पार्लियामेंट को रिपोर्ट दिया कि कैसे लागू होना चाहिए, और इस बात को स्वीकार किया स्वयं वित्त मंत्री जी ने, जब वो जीएसटी लागू होने के लिए जो फंक्शन हुआ लोकसभा पार्लियामेंट में, उस समय उन्होंने कहा, यशवंत जी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए कमेटी की तरफ से। उस समय किसी को चिंता नहीं थी। आज जो लोग जीएसटी को ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म, तो वो लोग उस समय कहीं नहीं थे। मैं उसको पुश कर रहा था अकेले भारतीय जनता पार्टी में। तो जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जीएसटी लागू जिस तरह किया गया उससे समस्याएं और गहराई। और एक बार जब हम एक झटका दे चुके थे डिमोनेटाइजेशन का, तो उसके तुरंत बाद दूसरा झटका देना, तो बार बार किसी को आप झटका देंगे तो उसका असर पड़ेगा ना अर्थव्यवस्था पर। अब 1 जुलाई से करना कोई आवश्यक नहीं था, 1 जुलाई का वो महत्व नहीं है जो 1 अप्रैल का है किसी वित्तीय वर्ष में। हमने भी उस समय सुझाव दिया कि 1 जुलाई से करने के बजाय इसको 1 अक्टूबर से करो, 6 महीना बीत गया होगा, आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बाकी लोगों को टाइम मिल जाएगा, और 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाए। लेकिन सरकार बहुत जल्दीबाजी में थी, उसने कहा नहीं, हम 1 जुलाई से लागू करेंगे। अब उसके चलते बहुत सारी समस्याएं, वो जीएसटीएन जो पूरा आईटी नेटवर्क है, बैकबोन है, वो फेल हो रहा है, तो परेशानियां बढ़ रही हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि इस तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, और इससे जो उबरने के उपाय हो सकते हैं उन उपायों पर सरकार काम करें।